पुलिस वालों को साहब मेरे बच्चे के साथ ऐसा जुलूम हो रहा है, गला काट दो, कल के दिन कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार है क्या साहब? बोलते पीएस में आके कंप्लेंट लिखा केस क्लर। अब वो केस होने के बाद पूरा होने के बाद हमारा बच्चा टिफिन लेके घर को आ रहा था, उसको ले आके रोड पे मार दिए, चार आठ जने मिलते हमारे बराबर पुलिस वाले, बाहर के चार कोटे है, उसमें से एक कोटा और साहिल रहन के घर में रहता था कोटा, वो कोटा भी 4 बजे मारने को गया था, 4 बजे मारने गया हमारा भाई, 4 बजे मैं फोन करा, मेरा नंबर फोन दो, 4 बजे मैं फोन करा, मैं नहीं उठा, मैं बिजी में था, फोन नहीं उठा उसका कॉल, उन्हें कहीं के लिए करा नहीं हुआ, फिर रिटर्न करने के लिए गया मैं अभी जस्ट 11 बजे, 11:30 बजे खाने के लिए आया, आते कि मेरा दोस्त फोन करा, भैया तुम्हारे भाई का इंतकाल होगा, डेड बॉडी हो, मर्डर कर दिए इधर बोल के, उनको बोल दिया, देखो 4 बार कॉल आ करा, 6 बार कॉल करा, कहीं को करा बोल के मैं रिटर्न करेंगे, बोल के घर पर जाकर मिल लिए तो बात बराबर होती, बोल के मैं आया उसके भाई इसका केस हो ये हो गया, पुलिस वाले जो है एक्शन नहीं लिए, जैसे बच्चे की जान चली गई, अगर पुलिस वाले जो है जाके ग्राउंड मार के आते, वार्निंग देते तो बच्चा हमारे सामने बीच में रहता था, सही सलामत रहता था, पुलिस वालों की कायली की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई, जबकि 2 घंटे पहले आपको पीएस में आके कंप्लेंट पूरी राम कहानी सुना के गए, लेकिन पुलिस वाले जो है ना एक्शन नहीं लिए, उसके एक्शन नहीं लेने की वजह से बच्चे की जान चली गई, 8 से 4 आदमी मिल 8